भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता मिला जुला रहा। शुरुआती दिनों में भारतीय शेयर बाजार गिरावट का शिकार हुआ, लेकिन उसके बाद बाजार ने निचले स्तर से कुछ हद तक वापसी की, लेकिन लगातार दूसरे सप्ताह बाजार को नुकसान उठाना पड़ा। निफ्टी पिछले सप्ताह 0.08% की गिरावट के साथ 19,638.30 पर बंद हुआ। वहीं 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भी 0.32% की गिरावट के साथ 65,828.41 पर क्लोज हुआ। अब छुट्टी के साथ शुरू हो रहे नए सप्ताह के दौरान बाजार की दशा और दिशा कैसी रहेगी, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे सप्ताह की बात करें तो पहला ही दिन बाजार के लिए छुट्टी वाला है। सोमवार यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के राष्ट्रीय छुट्टी के कारण BSE और NSE पर कारोबार बंद रहेगा। चूंकि नया सप्ताह नए महीने का पहला सप्ताह है, इस कारण कई प्रमुख आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं जो बाजार की चाल पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार GST कलेक्शन और ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर अपना रिएक्शन देगा। सरकार ने सितंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1.63 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा, यानी सरकार को बम्पर टैक्स मिला है। अब आइए ऑटो सेल्स के आंकड़ों पर। सितंबर में ऑटो बिक्री के अच्छे आंकड़े आए हैं। सितंबर में M&M की बिक्री 17% बढ़ी। वहीं मारुति सुजुकी की डोमेस्टिक सेल्स 2.5% बढ़कर 1,58,832 यूनिट हो गई है। और तो और मारुति सुजुकी की एक्सपोर्ट भी 5% बढ़ गया है। हुंडई की बात की जाए तो हुंडई की डोमेस्टिक सेल्स भी 9% बढ़ी है। अब आइए दूसरे फैक्टर्स पर। नए सप्ताह के सबसे अहम डेवलपमेंट में से एक रिजर्व बैंक की मौद्रिक बैठक है, यानी MPC बैठक। RBI की MPC बैठक अक्टूबर से शुरू हो रही है। MPC की बैठक 6 अक्टूबर तक चलेगी और उसी दिन गवर्नर शक्तिकांत दास ब्याज दरों पर निर्णय के बारे में जानकारी देंगे। रिजर्व बैंक की इसी बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी सप्ताह से दूसरी तिमाही के नतीजों की शुरुआत भी हो जाएगी, जो बाजार के लिए आगे का टोन सेट करेंगे। IPO का क्या अपडेट है ये भी जान लीजिए। सप्ताह के दौरान बाजार में 15 IPO क्लोज हो रहे हैं, जबकि 7 की नई लिस्टिंग होने वाली है। अब हमारे बाजार के लिए निगेटिव फैक्टर्स क्या क्या हैं ये भी जान लीजिए। सितंबर में विदेशियों ने पैसा निकाला है, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाल बने हुए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि फरवरी महीने के बाद विदेशियों की ओर से भारी भरकम बिकवाली की गई है। सितंबर महीने में ही FPIs ने 14,767 करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार से निकाले हैं। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने, कच्चा तेल महंगा होने का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर पड़ेगा। लगातार कच्चे तेल का भाव $90 के पार बना हुआ है और आने वाले महीने में इसमें नरमी आने की कोई संभावना नहीं है। और तो और 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो पर 28% GST को भी लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब जाते जाते निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी जान लीजिए। निफ्टी का सपोर्ट लेवल 19,550 से लेकर 19,500 रहेगा। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 19,730 से 19,770 रहेगा। बैंक निफ्टी का क्या हाल है वो भी जान लीजिए। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल 44,400 से लेकर 44,300 रहेगा। वही बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल 44,900 से 45,000 रह सकता है। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी हैं। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़ तक।